तो जी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। आज तारीख है 30 जनवरी 2023। तो हमने एक साल पहले हुंडई की वेन्यू CRDI MTSX ये सारा मैंने याद करके आया हूँ ये परचेज की थी, तो एक साल इसको हो चुका है। तो एक्चुअली मैं आपको इसका जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ कि एक साल में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और हमारे साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इस रिव्यू में मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली लैंग्वेज को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को भी नहीं आती है। जैसा कि आपको अभी आपने देखा था कि मैंने आपको कितना लंबा चौड़ा सा नाम लिया था, वेन्यू हुंडई वेन्यू CRDI MTSX, ऐसा ना करके मैं सिर्फ हुंडई SX भी बोल सकता था, हुंडई वेन्यू भी बोल सकता था, लेकिन टिपिकल लैंग्वेज ना मेरे काम की ना आपके काम की, बड़ा सिंपल सी भाषा में आपको मैं इसका सारा रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले अपने बाहर की बात कर लेते हैं, इसकी सारी बॉडी की फ्रंट जो ग्रिल है वो आप देख लो कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद एक इसका फेस लिफ्ट मॉडल भी आ चुका है जो मार्केट में आपको खूब मिल जाएगा। ये इसका इंडिकेटर का पार्ट है, ये इसकी हेडलाइट है जिसमें लैंप लगा हुआ है और पार्किंग भी है, साथ में ये है इसका फॉग लैंप। इसके टायर 16 इंचेस टायर है और जो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस जिसको बोलते हैं ना, ये बहुत है। अगर आपको टेक्निकली भाषा में बताऊँ तो 190 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है। कुल मिला के बात ये कहीं पर अड़ती नहीं है गाड़ी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रोड पे तब एक अलग बात है, अदरवाइज़ तो मैंने बहुत जगह गाड़ी को चलाया है, कोई डिस्टर्बेंस वाली बात ही नहीं है। और ये इसका बूट स्पेस है, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ तो 350 लीटर। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। वाइपर के लिए पानी होता है वो उसका टैंक है, और ये आपका कूलेंट है, ये आपका ब्रेक ऑयल है और यहाँ ये इंजन ऑयल है। बाकी CRDI इंजन आपने देखा, ये CRDI इसका इंजन है 1.5 लीटर का, साइड में से कुछ इस तरीके की दिखती है। आपको एक चीज़ ज़रूर आपको खास नज़र आ रही होगी, वो है ये ब्लैक टेप, ये टेप यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है और पीछे देखोगे ना तो ये यहाँ पे भी लगी हुई है, ये टेप मैंने खुद ने लगाई हुई है। तो ये क्या, इससे थोड़ा सा लुक अच्छा आता है, ये मेरी पसंद है। अब बात कर लेते हैं अंदर की। अब एक साल हो चुका है तो लगभग गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है और बाकी सारे फीचर्स आप देख रहे हो। लेफ्ट हैंड में RPM का मीटर है, बीच में स्पीडोमीटर है और इधर की तरफ आपको डिजिटल फ्यूल वगैरह का मिल जाता है। इसका जो क्लच है ना, क्लच का पैडल बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट क्लच का पैडल है और उसके साथ साथ इसकी गियर की शिफ्टिंग जो है वो भी बहुत ईजी है। अब आप ये देखो, मैं सिर्फ 2 अंगुलियों से गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट गियर है, उसके बावजूद भी देखो कितना सॉफ्ट है। बाकी इसका म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी कि मैं इसके स्पीकर्स चेंज कराऊँ या फिर कोई अलग से इसमें बास ट्यूब लगवाऊँ। बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, ये जितने भी आप लेदर का कवर देख रहे हो ये मैंने बाद में बाहर से लगवाया है। कंपनी के पास लेदर का कवर नहीं थे, सिर्फ कपड़े वाले कवर थे, लेकिन ये मैंने बाहर से लगवाए हैं, बहुत अच्छी फिटिंग है, बहुत शानदार। और साथ में इसका ये स्टीयरिंग कवर भी मैंने बाहर से लगवाया है। उसके बाद ये मैटिंग जो है वो बाहर से लगवाई है। और अगर आप इसके इंजन की आवाज़ सुनोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल का इंजन चल रहा हो। और एक ख़ास बात, जब तक गाड़ी का क्लच दबा हुआ नहीं होगा, जैसे ये इस टाइम अभी क्लच छोड़ा हुआ है, इग्निशन में अगर आप ऑन कर देता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये देखो। और जैसे मैं उस क्लच को दबाता हूँ और इग्निशन को ऑन करता हूँ, ये इंजन स्टार्ट हो गया। कुछ छोटे छोटे से फीचर्स हैं जो मेरे लिए स्पेशल है। ये जैसे बाहर वाला मिरर है, इसको यहीं से आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हो, अंदर से बंद हो जाएगा, अंदर से ऑन हो जाएगा। साथ में इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये आप देख रहे हो इस टाइम, ये यहीं से इस बटन से ही होएगा सारा काम। ये होने को तो बहुत छोटे छोटे से फीचर्स है बट है अच्छे फीचर्स। एक और फीचर बता दूं मैं आपको, ये तो है सीट को आगे पीछे करने का, इसमें एक एडजस्टेबल सीट इस तरीके से है कि ये ऊपर नीचे भी हो जाएगी। ये वाला जो हैंडल देख रहे हो ना आप, ये पीछे वाला, इससे आप सीट की हाइट भी बढ़ा सकते हो, इसको नीचे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हुंडई की जो वेन्यू गाड़ी है ये सिर्फ प्लेन सरफेस प्लेन रोड पे चलने के लिए बनी है। ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं थार के कंपैरिजन में तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप इस गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। जैसे आपने मेरे कई ब्लॉग मनाली वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि मैंने इसमें इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग के भी बहुत मज़े लिए हैं।
हुंडई वेन्यू खरीदने से पहले हमने सोनेट बुक कराई थी, सोनेट फिर हमने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि सोनेट और ये लगभग एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं, लेकिन जो फैसिलिटी हमें हुंडई में, हुंडई की वेन्यू में मिल रही थी कम प्राइस में, वो सोनेट में नहीं थी। अगर सोनेट में हम ये दो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट में थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी क्रूज़ कंट्रोल और सुमन की रिक्वायरमेंट थी सनरूफ, अगर ये हम दोनों चीज़ें उस गाड़ी में लेते लगभग 1.25 लाख रुपए उस गाड़ी के ज़्यादा लग रहे थे। तो एक साल बाद हुंडई के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और एक साल में लगभग आपको जैसे मैंने दिखाई है 15,000 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया है, जिसमें से 12-13,000 किलोमीटर ये पहाड़ों पे चली है। पहाड़ों पे भी ऐसे छोटे मोटे जगहों पे नहीं, श्रीनगर का पूरा पहाड़ पूरा एरिया इसने कवर किया है। मनाली मैं 3 दफ़ा जाके आया हूँ। एक और ख़ास बात बता देता हूँ आपको, मैं गाड़ी इतनी कम्फर्ट है कि आप एक दिन में सुबह 6 बजे आप घर से निकलोगे तो शाम को करीब करीब 700-800 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को आराम से बिना थके चला सकते हो। साथ में इसका जो केबिन है बहुत साइलेंट है, इस टाइम एसी चल रहा है लेकिन अंदर कोई आवाज़ नहीं है, ना बाहर की आवाज़ अंदर आएगी ना अंदर की आवाज़ बाहर जाएगी, बिल्कुल साइलेंट केबिन है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं 100% इस गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं नहीं हम सारे ही, और किसी दूसरी गाड़ी की कोई बुराई नहीं करूँगा, लेकिन अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने सोच होते हैं, अपने अपने समझ होती है। मेरे हिसाब से हुंडई की वेन्यू मतलब जितना आप पैसा दे रहे हो वो आप वर्थ आपको मिलती है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा एक बात और रही बात एवरेज की, तो इस गाड़ी की एवरेज फुल इट एंड फॉरगेट इट, 45 लीटर का इसका टैंक है गाड़ी का, और एक बार भरा लो लगभग 850-900 किलोमीटर तक आराम से चलेगी बिना किसी टेंशन के। एवरेज खूब अच्छी है, शहर के अंदर आप ये लगभग मान के चलो कि 18 के एवरेज के आसपास इसका, 18-19 के आसपास विद एसी, हालांकि आजकल एसी बिना एसी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विद एसी लगभग 18-19 किलोमीटर की एवरेज आ जाती है डीजल में, मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ। और बाहर अगर आप हाईवे पर जाते हो तो 22-23 किलोमीटर बिल्कुल उस कंडीशन में जब आप 80 और 100 के बीच में चला रहे हो।